जिस तरीके से आईपीएल में भ्रष्टाचार हुआ, अगर या बीसीसीआई की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो स्थिति और भी खराब होती। मान लीजिए दोषी लोग हैं, पकड़े गए, मतलब ठीक था ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, लेकिन आप सडनली उठाकर एसोसिएशंस के ऊपर टेक ओवर कर ले। एक खिलाड़ी के नाते मुझे चिंता खेल की है, खिलाड़ियों की चिंता है, मुझे बाकियों की नहीं। चौंस अब आईपीएल में फिक्सिंग के आरोप लगे, फ्रेंचाइजियों पर आरोप लगे, ये फिक्सिंग कराते हैं और चीजें प्रूव भी हुई, क्या आपको लगता है कि फिक्सिंग बंद हो गई है? मैं कहूँगा कि बहुत कम हो गई है। और ये जो एक विचार चल रहा है बेटिंग का, इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। लोग क्रिकेटर को भगवान समझते हैं, वही क्रिकेटर बिक चुका हो। कितने लोग हैं ऐसे, ऐसे कितने लोग हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उनको, जितने भी हो, एक दो चार जो भी हो, हाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। इस देश के अंदर बीसीसीआई एक ही संस्था है, जितने देश क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसने अपने खिलाड़ी जो इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनके खिलाफ आजीवन बैन लगाया है। इसमें और भी कुछ कड़े नियम बनाने की जरूरत है? काफी कुछ बन गए हैं। प्लेयरों के ऊपर कंट्रोल रखा जा रहा है, अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल रखा जा रहा है, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं टीमों के, जो ओनर हैं उनके ऊपर रखा जा रहा है। ये तो पहले भी होता था, इतनी सख्ती नहीं थी पहले, अब बहुत सख्ती हो गई है। जैसे ड्रेसिंग रूम में कोई नहीं जा सकता है, ओनर जो है वो भी नहीं जा सकता है ड्रेसिंग रूम में। उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या योजना है? जो भी सुविधाएं हैं हमारे पास, उनका मैं ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखिए मेरे साथ समय संवाद, समय यूटी उत्तराखंड।